नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, ज्ञानवापी विवाद पर आज सर्वे रिपोर्ट पेश की गई। दोनों पक्षों ने बारी बारी से अपनी बातों को रखा है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण की कोर्ट में करीबन 45 मिनट तक जिरह चली। फैसला अब मंगलवार यानी कि कल सुबह सुनाया जाएगा। इस दौरान दोनों पक्षों के 19 वकीलों और 4 याचिकाकर्ताओं को कोर्ट रूम में मौजूदगी थी और सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले इस मामले को सेशन कोर्ट से जिला अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश भी दिया था। ज्ञान वापसी से जुड़ी सर्वे रिपोर्ट शनिवार को अदालत को सौंप दी गई थी। कोर्ट कमिश्नर रहे अजय मिश्रा को फिलहाल कोर्ट रूम में जाने से रोक दिया गया। जो कोर्ट के रिकॉर्ड पे समय एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट है उसको भी 7:11 के समय साथ में पढ़ा जाए, क्योंकि ऑर्डर 26 रूल 10 के तहत अब वो कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट बन चुका है। और क्योंकि धार्मिक स्वरूप कैसा है उस संपत्ति का, ये मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है, इसलिए उसको जब तक निर्धारित नहीं कर देते तब तक इनकी 7:11 निर्धारित नहीं हो सकती है, क्योंकि उनकी 7:11 का आधार है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट से हमारा केस बार्ड है। तो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में जो रिलीजियस कैरेक्टर शब्द यूज है उसको डिसाइड करने के लिए कमीशन की रिपोर्ट डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने कोर्ट से ये आग्रह किया कि कमीशन की रिपोर्ट की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हमें प्रोवाइड की जाए, और उसके बाद अगर उनको उस पर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आपत्ति दाखिल करें और फिर 7:11 की एप्लीकेशन डिसाइड हो जाए। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है, और इसमें आगे क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा ये माननीय न्यायालय कल उसमें अपना ऑर्डर पास करेगा। अगली सुनवाई की डेट क्या होगी ये भी कल पता चलेगा। जजमेंट कल कितने बजे होगा ये कोई नहीं बता सकता। आज जो प्रार्थना पत्र विपक्षी द्वारा वहाँ पे दिया गया था, आज उन्होंने आग्रह किया कि 7:11 पे सुन लिया जाए, परंतु माननीय न्यायालय ने भी कहा कि चूंकि ये प्लेंट अभी हमारे सामने आया हुआ है और जो भी यहाँ पे पूरक प्रार्थना पत्र थे उनको भी उन्होंने कहा कि कल सुनेंगे, कल ही इस विषय पर निर्णय देंगे। यूपी विधानसभा में आज से बजट सत्र का आगाज हो गया। इस दौरान विधानसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ ही सपा विधायकों ने जोरदार हंगामा करना शुरू कर दिया। सपा विधायक पहले से ही सरकार को घेरने की तैयारी करके आए थे। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए और जमकर नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि राज्य में 18वीं विधानसभा के पहले सत्र के पहले दिन ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के अंदर सरकार के खिलाफ कई मुद्दों को लेकर विरोध किया। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सपा विधायक वेल तक चले गए और महंगाई बेरोजगारी को लेकर नारेबाजी की। पूरे दिन को बताती ये 5 तस्वीरें आपको बताएंगी कि कैसे आज का पूरा दिन विधानसभा की कार्यवाही के सुपुर्द रहा। तो इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दर राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर है। आंधी से लाइट गुम हो जाने पर नपे विद्युत अफसर, अधिशासी अभियंता ट्रांसमिशन समेत 3 पर गाज गिरी है। अधिशासी अभियंता ट्रांसमिशन संजय पासवान सस्पेंड हो गए हैं। उपखंड अधिकारी पुष्पेश गिरी और अपर अभियंता अमर राज निलंबित हुए हैं। उपकेंद्र परिचालक दीपक शर्मा की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और ट्रांसमिशन उपखंड माचिन पूर्वा लाइन ट्रिप होने पर बड़ी कार्रवाई हुई है। विधानसभा समेत आसपास के इलाकों में बिजली गुम हो गई थी, इस पर यह कार्रवाई की गई है। इसमें बिजली का हाहाकार बचा हुआ है और उसका नमूना देख लिया आपने कि विधानसभा की में जब पूरी सरकार बैठी थी, प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे थे और राज्यपाल भाषण कर रहे थे, उस समय विधानसभा के अंदर की लाइट चली गई, जो इस बात का प्रमाण है कि पूरे प्रदेश में जनता कितनी बिजली के समस्या से परेशान होगी। हम लोग सड़क से लेकर के और विधानसभा के अंदर तक सरकार को घेरने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य आजम खान सोमवार को रामपुर से लखनऊ पहुंचे हुए थे। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान दोनों विधान भवन में विधानसभा अध्यक्ष सतीश माना के सामने उनके कार्यालय में शपथ लेते भी नजर आए। तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा।
सभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं बिजली द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पर समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को एयर कंडीशनर की हवा छोड़ करके घर से बाहर निकलकर लोगों और कार्यकर्ताओं से मिलने और अपने संगठन को मजबूत करने की सलाह दी है। वहीं आज विधानसभा में प्रदर्शन न करने पर ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपने बेबाक जवाबों की वजह से चर्चा में रहते हैं और हमारे साथ में है। ओम प्रकाश राजभर, क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है? कहाँ गड़बड़ है? आज विधानसभा का जब संबोधन चल रहा था तो समाजवादी पार्टी के विधायक तो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आपके विधायक तो वहाँ पर कुछ शांत बैठे हुए थे। देखिए, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। आपने अगर गौर किया होगा तो इसके पहले जब जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण हुए हैं तब तक कागज के गोले फेंके जाते थे, लेकिन आज उस पर विराम लगा। आज कागज के गोले राज्यपाल महोदय के ऊपर नहीं फेंके गए। एक परंपरा खत्म हुई ना। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को सबको सुनना चाहिए। दूसरे दिन हमारा अपना सुझाव है, दूसरे दिन सब लोग विरोध करें, लेकिन एक उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च कुर्सी पर विरोध हमको अच्छा नहीं लगा, इस नाते हमारी पार्टी इस विरोध में शामिल नहीं थी। तो इसका मतलब नहीं कि हम समाजवादी पार्टी से अलग हैं। अब समाजवादी पार्टी चुनाव के लिए हम गठबंधन किए हैं कि हम विरोध करने के लिए साथ है, जब न मनो तब न करेंगे। हमको जो अच्छा लगेगा वो हम करेंगे, उनको जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। वो उनकी पार्टी हुआ करने से अगर बढ़ेगी तो वो करें, हमारी पार्टी गांव में मीटिंग करने से बढ़ेगी तो हम गांव में मीटिंग करेंगे। जब साथ गठबंधन है तो हमारी तुम्हारी क्या, तो संगठन तो मजबूत। क्यों भैया, वो चल गोली मारा का तो चला संगे गोली मारी, हम चलो कोई गोली मारी जाए 302 के मुलजिम बने। तो आजम खान कह रहे हैं मन खट्टा हुआ है, तो क्या ओम प्रकाश राजभर सबको इकट्ठा करके समाजवादी पार्टी में गए थे, क्या मिठास उसमें लाएंगे? समाजवादी पार्टी में कहाँ खटास है? नहीं, आजम खान ने कहा है कि मन खट्टा है उनसे। किससे? अखिलेश से। ऐसा उन्होंने बोला है? हाँ, वहाँ पे बोला था रामपुर में। नहीं, आपने सुना नहीं। उन्होंने जो मैंने सुना देखा आप ही लोगों के चैनल पे, उन्होंने कहा कि हमें अपने लोगों ने धोखा दिया। अपने लोगों में उनके लोग भी हैं जिन लोगों ने दरखास्त दिया, तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने तो FIR नहीं करवाई। अब एक सांसद, एक मिनिस्टर, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक भकड़ी चोरावा जाई, किसने मुकदमा लिखवाया? समाजवादी पार्टी नहीं लिखवाया ना। तो उनका इशारा कि जो रामपुर के उनके लोग हैं उन लोगों के तरफ से इस तरह की हरकतें की जा रही हैं जिससे वो दुखी हैं, ये उनका है। सर, ज्ञान बाफी का मुद्दा क्या विधानसभा में उठाएगी समाजवादी पार्टी? ओम प्रकाश राजभर उठाएंगे? क्यों उठाएंगे? हम उठाएंगे एक समान अनिवार्य शिक्षा। जब एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक टैक्स, एक देश एक पेपर, तो एक देश एक समान शिक्षा, ये उठेगा। दूसरा, गरीबों का इलाज फ्री में, जातिवार जनगणना, नौजवानों को रोजगार नौकरी, ये सदन में उठेगा। लैंड ऑर्डर खराब है वो उठेगा। एक आखिरी सवाल है कि आप अखिलेश यादव को नसीहत दिया है कि एसी के बाहर, कमरे के बाहर निकलें और जनता के बीच में जाएं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर अगर एक दिन में 4 मीटिंग कर सकते हैं तो उनकी बड़ी पार्टी है, बड़ी यार नेता है उनके पास, तो वो निकल करके मीटिंग करेंगे, जनता के बीच में जाए। 22 में जो हम लोगों ने धोखा खाया है उससे सीख लेके हमको 24 में अच्छा प्रदर्शन करना है ताकि 27 में हम बेहतर कर सकें, इसके लिए हम कहे हैं। शुक्रिया। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर, जिनका कहना था कि अखिलेश यादव बाहर निकलें और जनता के बीच में जाएं, क्योंकि 2024 का चुनाव है, उसको भी देखना है, जनता से जो वादे किए थे उसको भी निभाना है। कार्यवाहक रियाज के साथ अनूप सिंह, जनता TV, लखनऊ। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने अखिलेश यादव को कहा कि अखिलेश यादव तो बड़ियार नेता आई, अपने कार्यकर्ता के बीच में ना जाई हैं तो कैसे 2024 के गणित बैठी। तो ये उनकी भाषा शैली है जिससे वो समय समय पर कटाक्ष भी करते रहते हैं और सियासत का संदेश भी देते रहते हैं। वक्त छोड़ से ब्रेक, ब्रेक उस पर खबरों का सफर लगातार जारी है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर निर्माण कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उन्होंने बताया कि जल्द ही गर्भगृह और उसके आसपास नक्काशीदार बलुआ पत्थरों की स्थापना शुरू हो जाएगी। गर्भगृह के अंदर राजस्थान के सफ़ेद कंचों का प्रयोग होगा। पहले चरण में करीबन 25,000 तीर्थयात्रियों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक तीर्थ सुविधा केंद्र होगा। वाल्मीकि, सीता, गणेश और लक्ष्मण के मंदिर भी योजना में हैं और 8 एकड़ के मंदिर के आसपास के एरिया में बनाए जाएंगे। गर्भगृह के अंदर और बाहर इस्तेमाल होने वाले गुलाबी बलुआ पत्थर भरतपुर से लाए गए हैं। मंदिर में 4.70 लाख क्यूबिक फीट नक्काशीदार पत्थरों का इस्तेमाल किया जाएगा। यूपी के फतेहपुर जिले में गांजा तस्कर के घर पर दबिश देने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। पथराव के दौरान गांजा तस्कर मौके से रफूचक्कर हो गया। ग्रामीणों के पथराव से दबिश देने गए महिला कांस्टेबल सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हालत सामान्य देखते हुए वापस भेज दिया। पुलिस ने इस पूरे मामले में कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए गांजा तस्कर की गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है। घटना के बाद मौके पर कई थानों की पुलिस गांव पहुंची, जहां पर अब भी तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई हैं। साथ ही पत्थरबाजी करने वाले लोगों की तलाश में जुट गई है। राजीव सिंह उर्फ मुन्ना सिंह पुत्र राम सिंह ग्राम मीरपुर थाना थरियाऊ जनपद फतेहपुर में गांजे की बिक्री करता है। सूचना पाकर पुलिस ने दबिश दी। मौके से 5 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है और आरोपी को पकड़ते समय ग्रामीण इकट्ठा हो गए और पुलिस पर हमला कर दिया, इससे आरोपी फरार हो गया। साथ ही एक महिला कांस्टेबल घायल हो गई, जिसको उपचार के लिए भेजा गया है, वह अब स्वस्थ है। पुलिस ने 16 लोगों को नामजदगी और 50 लोगों अज्ञात के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया है। प्रयागराज के पुराने शहर की तंग गलियों से कभी आप गुजरें तो जाम में जरूर फंस जाएंगे, लेकिन उसी जाम के बीच में आपको 70 साल का एक बुजुर्ग ट्रैफिक पुलिसकर्मी के तर्ज पर ही लोगों को जाम से निजात दिलाने की कोशिश करता नजर आएगा। आप सोचेंगे कि जिस जिले में हजारों की तादाद में ट्रैफिक पुलिस के जवानों के तैनात होने के बावजूद जाम की समस्या है, वहाँ एक बूढ़ा आदमी क्या कर लेगा। लेकिन हकीकत में 70 वर्षीय जगजीत सिंह धारीवाल यानी कि ट्रैफिक मैन बनकर लोगों की ओर से जो लगाया जा रहा है जाम, उसको हटाकर रास्ता सुचारू करने का काम करते हैं, लोगों को सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं। बुजुर्ग के इस जज्बे को देखकर अब लोग इन्हें सलाम कर रहे हैं। दरअसल जगजीत सिंह ने जाम की वजह से एक प्रेग्नेंट महिला को सड़क पर मरते हुए देखा था, तब से उन्होंने अपने इस ट्रैफिक मैन के काम को गले लगा लिया और हर दिन चौक के इलाके में लगने वाले जाम को हटाते सड़क पर नजर आ जाते हैं। मेरा नाम जगदीप सिंह है, ये सोशल वर्क है। हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो जनता का भला होगा, हमारे देश का भला होगा। किसी का एग्ज़ाम है, किसी का हॉस्पिटल जाना है, किसी की नौकरी है, किसी को ड्यूटी पे जाना है, ये अगर जाम में फंसा रहेगा तो यहीं फंसा रह जाएगा। इसलिए हमको हेल्प करनी चाहिए, ये हेल्पिंग नेचर है, बाकी निस्वार्थ सेवा है। आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, लेकिन कोई अवसर आता है, त्यौहार है या कोई मेला है या कोई आयोजन है या चुनाव है या ट्रैफिक की कोई समस्या आती है, सड़क पे आ जाते हैं और ये पहले आकर के खुद ही ट्रैफिक को डाइवर्ट करना, उसमें जो पुलिस के लगे हुए कर्मी हैं सहयोग करना उनका, और उसके बाद ब्रीफिंग भी करते हैं क्योंकि पहले से इनके काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं तो इनके हर आयोजनों की जानकारी भी रहती है। और इसके लिए ये वहाँ पे एक विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में इनकी मौजूदगी काफ़ी सहयोगी और कारगर साबित होती है। और जो इतनी इनकी अच्छी खासी एज है, इसके बावजूद ये लगातार लगे रहते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा इनके अच्छे स्वास्थ्य के और इनके अंदर जो भाव है वो समाज के प्रति लगाव का वो बना रहे, हमेशा ये सहयोगी की भूमिका में रहते हैं। आगरा पहुंची हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी ने धर्म संसद को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि धर्म संसद को आगरा में नहीं होने दिया गया, क्या सनातनियों को भारत में आज़ादी नहीं मिली। राजश्री चौधरी ने इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट जाने की भी बात कही है और कहा कि जब भगवा पर एंट्री नहीं है तो झंडे से भी कलर को हटा दिया जाए। वहीं मंदिर को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर हिंदू महासभा अध्यक्ष ने हमला बोला कहा, उनका अनुभव कम है, उनको जानकारी नहीं।
आगे का यही रणनीति, अभी तो डेप्यूटेशन देंगे हम लोग कि धर्म संसद को क्यों ना खारिज कर दिया गया परमिशन को, और इसके अलावा इधर गोकशी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्या सनातनियों के लिए भारत आज़ादी नहीं मिला भारत को, तो सनातनियों जाए तो जाए कहाँ, ना हम लोगों का अपना मंदिर फ्री ऑफ एनकम्बरेंसेस मिल रहा है, ना हमारा प्रार्थना स्थल मिल रहा है, ना हमारा धर्म का कुछ, कोई भगवा ड्रेस पहन के अगर इधर उधर घूमेगा, अगर ताजमहल में एंट्री करेगा तो कलर, तब फ्लैग में हमारा भगवा जो है उसको भी हटा दिया जाएगा क्या? तो राष्ट्रीय जी को मेरे ख्याल में शायद ये भान नहीं है कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें भगवा नहीं केसरिया है, और केसरिया जो त्याग का प्रतीक है, जो देश को त्याग सिखाता है, हर एक नागरिक को त्याग और सौहार्द्र सिखाता है, जो बांध कर रखता है, विभेद करना नहीं सिखाता। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के आज एक और प्रार्थना पत्र दाखिल हुआ है। वादी सौरभ गौड़ और अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी ने सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में ये याचिका दाखिल की। याचिका में कोर्ट की ग्रीष्मकालीन अवकाश के पहले विवादित स्थल का सर्वे कराने की मांग की गई है। इसको लेकर अमीन कमीशन और अधिवक्ता कमीशन नियुक्त करने की भी मांग की गई है। वहीं याचिकाकर्ता ने अवकाश के दौरान ईदगाह में मौजूद मंदिर से जुड़े अवशेषों से छेड़छाड़ की आशंका जताई है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश में आम जनता से लेकर के चारधाम यात्रियों तक के लिए 24 घंटे ज्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा है। साथ ही मौसम निदेशक ने कहा पहाड़ों में कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की संभावनाएं हैं। साथ ही मौसम निदेशक ने कहा कि मैदानी क्षेत्रों में बारिश के साथ साथ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि कल शाम तक प्रदेश भर में मौसम ऐसा ही बना रहेगा। इसके साथ ही चारधाम में जाने वाले यात्रियों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त 25 मई से मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे बारिश से लोगों को राहत मिलेगी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने राज्य के सभी मदरसों की जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए शिक्षा विभाग को पत्र लिखा गया। जो भी मदरसे शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त ना हो उनकी लिस्ट भेजी जाए। उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से उनके पास इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि राज्य में बिना मान्यता प्राप्त मदरसे चलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पढ़ने वाले छात्राओं को आगे एडमिशन मिलने में दिक्कत हो रही है। बिल्कुल, अभी मेरे पास, हमने शिक्षा विभाग को भी पत्र भेजा, एक भी मदरसा शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं है। 190 मदरसों को भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार पैसा दे रही है। 425 मदरसे अभी चल रहे हैं, जिनमें 192 मदरसों को हम ग्रांट दे रहे हैं, मगर वो शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखते हैं। नमस्कार।